कॅरमच्या प्रचारासाठी कोलकाता ते मुंबई सायकल यात्रा, कोलकाता येथील दोन युवकांचे मूर्तिजापुरात केले स्वागत। राष्ट्रीय खेळ असलेल्या कॅरमचा प्रचार व्हावा व तो मोठ्या प्रमाणात खेळला जावा यासाठी कोलकाता ते मुंबई असा प्रवास करण्यासाठी दोन युवक सायकलने निघाले आहेत। त्यांचे 2 डिसेंबर 2021 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस शहर मूर्तिजापूरच्या वतीने स्वागत करण्यात आले। कॅरमचा प्रचार व्हावा यासाठी डेंबर मंडल व अग्निबाग हे दोन युवक कोलकाता येथून मुंबईकरिता 2200 किलोमीटरचा प्रवासासाठी 14 नोव्हेंबर रोजी निघाले। 2 डिसेंबर रोजी मूर्तिजापूर येथील विश्रामगृह येथे त्यांचे आगमन झाले। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष राम कोरडे, बबलू वानखेडे, नितीन टाले, आनंद पवार, सुमित सोनोने, रवी मार्कंड, निलेश अवलवार, निखिल ठाकरे, निखिल तायडे, अमोल राऊत, दिवाकर सोनोने, सर्पमित्र मुन्ना श्रीनिवास, जय ज्ञाने, विजू आजळकर आदि उपस्थित होते। मानस उद्देश्य आप पश्चिम बंगाल कलकत्ता से आप निकले हो, एक कैरम का एक प्रचार भारत में ही तो आप पूरे जग में इसका प्रसार हो। बिल्कुल सही है, सही है। तो इसका आपका मोटो क्या है और आपके इसका आगे का? एक्चुअली देखिए, ये कैरम से हम लोग का बहुत प्यार है और मेरा जो कैप्शन है, खेलो कैरम, जय कैरम और प्रमोट कैरम। और इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं, घर घर में कैरम सब खेले, अच्छे तरीके से खेले और कैरम और आगे जाए। और दूसरा मोटो हम लोग का एक है जो सेफ फ्यूल गो ग्रीन, जो साइकिल चलाने से हेल्थ भी अच्छा रहता है, तो आप लोग साइकिल यूज़ कीजिए, काम भी साइकिल यूज़ कीजिए, अच्छा लगेगा और तबीयत भी ठीक रहेगा। और तीसरा मोटो हम लोग का जो है, अभी फिलहाल जो हम लोग का वर्ल्ड चैम्पियन है वो हम लोग का इंडियन है, जो आपका मुंबई पे रहते हैं महाराष्ट्र में, तो उसका नाम है मिस्टर प्रशांत मोरे सर जी। तो उससे हम लोग मिलेंगे और उसके साथ ये महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन से भी हम लोग मिलेंगे और उधर में जितना प्लेयर हम लोग को मिलेगा तो उधर से हम लोग को कुछ सीखने में मिलेगा। और इसमें क्या है ना, हम लोग का बंगाल का थोड़ा सुविधा होगा, बंगाल को अच्छा लगेगा, बंगाल को आगे बढ़ने से हम लोग को ये हेल्प होगा। ये प्रयास कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब से हो गया? मेरा ये प्रयास एक्चुअली 14 नवंबर को हम लोग स्टार्ट किए थे कोलकाता से, तो फिलहाल आज 2 तारीख है, मतलब 18 दिन हो गया हम लोग ऐसे ही चलाते हुए। तो अभी फिलहाल आगे जो रास्ता है अभी भी 700 किलोमीटर्स बाकी है, तो मान लीजिए और 10 दिन लगेगा हम लोग को मुकाम तक पहुँचने। ये जो आप करने चल रहे हो, इसकी चालना आपको कहाँ से मिली और किसके माध्यम से मिली? ये जो क्वेश्चन आप पूछे ना, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे को कोई नहीं पूछा, तो ये सबसे बढ़िया बात जो मेरे को ये सौभाग्य हुआ जो इसके बारे में हम बोल सके। तो एक्चुअली मेरा जो एथलेटिक्स का कोच था मिस्टर परिमल भट्टाचार्य, तो उसमें से उन सर के साथ हम जब काम करते थे, तो मेरा सर साउथ ईस्ट एशिया पूरा कंप्लीट किया हुआ है साइकिल से, तो उन्हीं से ये इंस्पिरेशन मेरे को मिला। और इससे पहले हम कोलकाता टू भुवनेश्वर एक 600 किलोमीटर्स का रैली कर चुके थे, तो उस टाइम का एक्सपीरियंस अभी हम लोग को काम में आ गया। और ये मेरा पार्टनर है अग्निबाग, तो इस बार वो मेरे को साथ दिया। यस 24 मराठी साठी सुमित सोनने मूर्तिजापूर।